लाइट ऑफ लाइफ, जिंदगी की रोशनी सेवकाई। वक्ता कौन है? डॉक्टर मल्लिका सैमुअल, जो चेन्नई के विख्यात कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें गायनेकोलॉजी के क्षेत्र में 24 साल का अनुभव है। इन्होंने क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर से MBBS की पढ़ाई की और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई आयरलैंड के डब्लिन यूनिवर्सिटी के रुटांडा हॉस्पिटल से की है। ये विशेषज्ञ हैं हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक्स, लेप्रोस्कोपी सर्जरी और इनफर्टिलिटी में। ये अपने चर्च में स्तुति आराधना में अगुवाई करती हैं और साथ ही ये वहाँ प्रचारक भी हैं। इन्होंने अपना बचपन दिल्ली और जयपुर में बिताया है। गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में इन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम में इनफर्टिलिटी क्लिनिक चलाए हैं, जिस कारण इन्हें हमारे देश के उत्तरी भाग में रहने वाले भाइयों और बहनों को सुसमाचार प्रचार करने की गहरी इच्छा दी। नमस्ते। नमस्ते। How good it is to meet with you all today. आज आप सभी से मुलाकात करना सच में कितनी खुशी की बात है। It is a pleasure to read God's word along with you every week. और ये तो सच में महान सौभाग्य है कि हर हफ्ते आपके साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाएं। And I trust that you will go back and look into God's word and continue to read and meditate upon it. और ये मेरा भरोसा है कि आप निश्चित वापस जाकर परमेश्वर के वचन को देखें, उस पर मनन करते चले जाएं। Today we are going to talk about the calling of Jesus. आज हम यीशु की बुलाहट के बारे में चर्चा करेंगे। What is a calling? ये बुलाहट क्या है? A calling is when somebody summons you for something. ये बुलाहट तो ऐसी बात है जहाँ पर कोई आपको किसी काम के लिए बुलाता है। We may have been called for a job interview. शायद हो सकता है कि हमें किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया हो। You know how difficult it is to get an interview even these days. आप जानते हैं इन दिनों में एक इंटरव्यू भी मिलना कितना मुश्किल होता है। But then we may be successful and be called for the job. और अगर उसमें हम सफल होते हैं तो हमें नौकरी के लिए बुलाया जाता है। How happy we are when this happens. और जब ऐसा होता है तो हम कितने खुश होते हैं। There are in fact many this world scenarios. और देखिए इस संसार में ऐसे बहुत से अलग ऐसे दृष्टिकोण हैं। Where we have been excited to receive a call. जहाँ पर हम सच में किसी की ओर से बुलाए जाने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं। But the most precious experience. लेकिन सबसे बहुमूल्य जो अनुभव है। Is when You are called by the Lord Jesus. जहाँ पर आपको प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। This is a call unlike any other call. ये तो ऐसी बुलाहट है जो इस जीवन में दूसरे सभी बुलाहटों से बिल्कुल अलग है। It is a life-changing call. ये तो जीवन बदलने वाली बुलाहट है। You know, the Lord Jesus called men and women to follow him. आप जानते हैं प्रभु यीशु ने स्त्री और पुरुषों को बुलाया कि वो उसके पीछे चलें। In the first century, he called them, he molded them to be his disciples. पहले सदी में उसने उन्हें बुलाया और उसने उन्हें अपने चेले होने के लिए नियुक्त किया। How did he call each one of them? उसने उनमें से हर एक को कैसे बुलाया? Why is it important for us to know this? और ये सब कुछ जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? Because Jesus who called men and women to be his disciples. क्योंकि यीशु ने जिसने स्त्री और पुरुषों को बुलाया कि वो उसके चेले हो जाएं. 2000 years ago. 2000 साल पहले. Is still calling men and women to build his kingdom. वो अभी भी स्त्री और पुरुषों को बुला रहा है कि वो उसके राज्य को बनाते चले जाएं. We need to be able to hear his voice. हमें निश्चय उसकी आवाज को सुनने योग्य होना है। God's call for each one of us is different. हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की जो बुलाहट है वो बिल्कुल अलग है। There is no standard method by which each person is called. और देखिए कोई एक खास तरीका नहीं, निश्चित तरीका नहीं कि उसी के द्वारा लोगों को बुलाया जाना चाहिए। But when he calls us, we will know it is him. लेकिन जब वो हमें बुलाता है तो हम जानते हैं कि ये तो वही है। Our hearts will recognize his voice. हमारा दिल जो है उसकी बुलाहट को पहचानता है। That is why Jesus has said in the book of John chapter 10 और इसलिए यीशु ने यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में कहा है verse 27 वचन 27 में he says my sheep hear my voice ये कहता है कि वो मेरी जो भेड़ है वो मेरी आवाज को सुनती है पहचानती है and I know them और मैं उन्हें जानता हूँ and they follow me और वो मेरे पीछे चलते हैं and I give them eternal life और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ so that they will not perish कि वो नष्ट न होगी and no one will snatch them out of my hand और कोई उन्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा so why does God call us और तो परमेश्वर हमें क्यों बुलाता है in this verse what is the reason for which he calls us इस वचन में देखिए उसने हमें जो बुलाया उसका कारण क्या है firstly he calls us सबसे पहले वो हमें बुलाता है to keep us from perishing कि वो हमें नाश
निराश होने से बचाए। When we respond to his calls, और जब हम उसकी बुलाहट को प्रत्युत्तर देते हैं, we are made his children. तो हमें उसकी संतान बनाए जाते हैं। That makes us special. और यही तो हमें बहुत ही विशेष बनाता है। In Psalm 91, it says, भजन से 91 में ये कहता है, He who dwells in the shelter of the Most High, जो परम प्रधान की छाया में वास करता है, shall abide in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में वास करता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। The shadow of the Almighty protects us. सर्वशक्तिमान की छाया जो हमें सुरक्षा देती है। Jesus says we will never perish. यीशु ने कहा हम कभी नाश नहीं होंगे। He has promised that no one will snatch us from his hand. उसने हमसे वादा किया कि कोई भी हमें उसके हाथों से छीन नहीं सकता है। Secondly, दूसरी बात, the verse says he has called to give us eternal life. वचन बताता है कि उसने हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। We all know हम सब जानते हैं that life in this world extends from birth to death. इस जीवन में, इस पृथ्वी पर जो जीवन है वो तो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है। It is finite. ये तो बस केवल गिने जाने वाला है। Once we are born, एक बार हमारा जन्म होता है, there will come a day when we have to die. और फिर उसके बाद में एक दिन आता है जहाँ पर हमें मरना ही होगा। Life in this world is also a carnal world. और इस संसार में जो जीवन है ये तो निश्चित शारीरिक जीवन है। Paul in his epistle has often used the word worldly to mean carnality. और यहाँ पर जो पौलुस से अपनी पत्रियों में कई बार सांसारिक शब्द का उपयोग करता है जो कि शारीरिक होने को दर्शाता है। Put to death therefore. और इसलिए मृत्यु के या मर जाना। Whatever belongs to your earthly nature. इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हमारा इस पृथ्वी के स्वभाव का है उसे हमें मार देना है। Colossians 3:5. कुलुसियों 3:5 कहता है। Jesus calls us to give a life that is eternal. यीशु हमें बुलाता है कि वो हमें अनंत जीवन दे सके। Which has overcome death. जो कि मृत्यु पर जयवंत हुआ है। And a life which is sanctified. और ऐसा जीवन जो कि शुद्ध जीवन है। Eternal life is a life lived in the knowledge of God. अनंत जीवन तो ऐसा जीवन है जो परमेश्वर के ज्ञान में जिया गया है। And the knowledge of His Son Jesus Christ. और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में। We see Jesus praying to His Father. हम देखते हैं कि यीशु अपने पिता से प्रार्थना करता है। In the book of John chapter 17. यूहन्ना अध्याय 17 में। Where He says, "Now this is eternal life." और यहाँ पर वो कहता है कि अनंत जीवन तो यही है। That they know you. कि वो तुझे जाने। The only true God. कि तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। And Jesus Christ whom you have sent. और यीशु मसीह जिसको तूने भेजा है। Having looked at the significance of Jesus's call. यीशु मसीह की जो बुलाहट है उसके महत्व को जब हम देखते हैं। Let us turn our attention to see how Jesus called his disciples. चलिए हम इस समय गौर करते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को कैसे बुलाया था। Jesus calls a group of young men who he in days to come will build up As his disciples. यीशु ने उन जवानों को बुलाया जो आने वाले दिनों में निश्चय आगे जाकर उसके चेले बनने वाले थे। We need to remember that the call that each one of these disciples received was so significant. हमें इस बात को याद रखना होगा कि हर एक चेले ने जो बुलाहट पाई थी वो सच में बहुत महत्वपूर्ण थी। Because eventually these men built up by their master would turn the world upside down. क्योंकि यही तो वो लोग हैं जिन्हें उनके स्वामी ने बनाया था, वही तो आगे जाकर इस संसार को पूरा उल्टा करने वाले थे। So shocking and powerful and effective was their message. और ये तो सच में उनका जो संदेश था वो तो इतना सामर्थ्य था और इतना प्रभावी था। That it enraged man and devil alike. कि उसने वहाँ पर मनुष्य और साथ साथ में शैतान को भी बिल्कुल पूरी तरह से हिला कर रख दिया। And it caused almost each one of them to die as martyrs. और उसके कारण ऐसा हुआ कि जो सभी चेले थे सब में से सब के सब लगभग सभी लोग जो है शहीद के रूप में मारे गए। It is clear that the way Jesus chose and led his disciples. और ये तो बहुत ही स्पष्ट है कि जिस तरीके से यीशु ने चुना और अपने चेलों की अगुवाई की. Was for a plan for the future of his church. वो तो उसकी कलीसिया के भविष्य के लिए था. The way that he chose his disciples. जिस तरह से उसने अपने चेलों को चुना. Has been described by a theologian Bill Hull. उसके बारे में बिल हल नाम के एक थियोलॉजियन जो है उन्होंने इस तरह से बताया। As four methods, उन्होंने चार तरीके से इसे बताया। One is come and see. एक तो है कि तुम आओ और देखो। Second is follow me. और दूसरा है कि तुम मेरे पीछे हो लो। Thirdly, be with me. और तीसरा है कि मेरे संग हो लो। And fourthly, remain in me. और चौथा है कि तुम मेरे साथ में बने रहो। Come and see. आओ और देखो। John, the writer of the gospel, gives us a clear picture of how Jesus calls his first disciples. योहन्ना जो कि सुसमाचार का लेखक है वो यहाँ पर हमें स्पष्ट चित्र देता है कि कैसे यीशु ने अपने पहले चेले को बुलाया। Now John the Baptist was baptizing
people in the river Jordan. अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है वो तो यर्दन नदी में लोगों को बपतिस्मा दे रहा था. And his disciples were all around him, John's disciples. और यूहन्ना के जो चेले थे वो तो वहाँ पर उसके आसपास में थे. And at that time Jesus passes by. और उस समय यीशु वहाँ से होकर जाता है. And John cries out. और यूहन्ना पुकार उठता है. Here is the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये परमेश्वर का मेमना है जो इस जगत के पापों को उठा लिए जाता है. Now the two men heard this and began to follow. अब दो लोगों ने इसके बारे में सुना और वो यीशु के बारे में यहाँ पर कहने लगे. John the Baptist had already told his disciples how Jesus was going to is the one to fulfill the promise of the Messiah. और यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों ने अपने चेलों को इस तरह से पहले बताया था कि किस तरह से यीशु जो है ये तो वही है जो आने वाला मसीहा है. The two of them who followed Jesus were Andrew and John. और उनमें से दो जो यीशु के पीछे चलने लगे वो था आंद्रियास और यूहन्ना. And they kept walking behind Jesus. और वो तो यीशु के साथ साथ चलती रहे. So Jesus turns around and asks them. और यीशु मुड़कर जो है उनसे पूछता है. What is it you're looking for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? And they said. और उन्होंने कहा. We have come to follow you. हम तो तेरे पीछे चलने के लिए आए हैं. This is a question which Jesus asks us today. और आज भी यीशु हमसे यही सवाल पूछता है. Are we following Jesus for fame? क्या हम शोहरत के लिए यीशु के पीछे चल रहे हैं? For wealth or popularity? या फिर धन के लिए या फिर नाम सम्मान के लिए? Or for worldly pleasure? या फिर संसार के आनंद के लिए सौभाग्य के लिए? All of this would lead to loneliness and emptiness. ये सब कुछ जो है ये केवल खालीपन के लिए और अकेलेपन में ही लेकर आता है. Instead we follow Jesus by surrendering. लेकिन इसके बजाय अच्छा है कि हम यीशु के पीछे चले उसको समर्पण करने के द्वारा. Allowing him to be the Lord of our lives. और उसे अपने जीवन का प्रभु होने दे. The disciples answered Jesus and said, Rabbi, where do you stay? और उन चेलों ने वहाँ पर यीशु से पूछा कहा कि हे रब्बी तू कहाँ रहता है? They immediately acknowledged Jesus as their master. उन्होंने तुरंत ही यीशु को अपने स्वामी के रूप में पहचान लिया. Rabbi, it means teacher. Hey, Rabbi, इसका मतलब है कि हे शिक्षक, हे गुरु. They wanted to learn from him. वो उससे कुछ सीखना चाहते थे. At this, Jesus said, "Come and see." और यहाँ पर यीशु ने कहा कि आओ और देखो. If anyone will see Jesus, जो कोई भी यीशु को देखता है, he will be invited to come. उसे न्योता मिलता है कि वो आए. And he will be guaranteed to see. और निश्चय उसे गारंटी दी जाती है कि वो देखेगा. This principle is always true when someone comes to the Word of God. और जब भी कोई परमेश्वर के वचन के पास में आता है, ये सिद्धांत तो हमेशा यही होता है. My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, if you sincerely come to the Word of God, अगर आप बड़ी ईमानदारी से परमेश्वर के वचन के पास में आते हैं, the Holy Spirit will lead you, तो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा to know Jesus. कि आप यीशु को जानें. John has said that Jesus is the word of God. यूहन्ना ने इस तरह से कहा है कि यीशु ही परमेश्वर का वचन है. A great example is Sadhu Sundar Singh. और इसके लिए एक महान उदाहरण है साधु सुंदर सिंह. At a very early age, बहुत ही कम उम्र में, he was thirsting to know the truth. वो तो सत्य को जानने के लिए बहुत ही प्यासे थे. And he read all the spiritual books that he could find. और उन्हें जो कुछ भी आत्मिक किताबें मिली उन्होंने उन सारी आत्मिक किताबों को पढ़ लिया. Of different religions. अलग अलग आस्थाओं की किताबों को. And he studied them very deeply. और बड़ी गहराई से उन्होंने उसका अध्ययन किया. And then he began to read the Bible. और फिर वो बाइबल पढ़ने लगे. And in his search he was so much involved in his search. और देखिए वो अपनी खोज में इतने ज्यादा जुड़ गए. That one day he challenged God. कि एक दिन उन्होंने परमेश्वर को ही चुनौती दे दी. And he said, if you do not reveal yourself to me, I will put an end to my life. और उन्होंने यही कहा कि अगर हे परमेश्वर तुम अपने आप को मुझ पर प्रकट नहीं करेगा तो मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा. I want to see the real God. मैं सच्चे परमेश्वर को देखना चाहता हूँ. That night Jesus came to him in a vision. उसी रात बड़े विशेष रूप से यीशु उससे मिलने के लिए आया. In the midst of a bright light. वहाँ पर एक बड़ी ज्योति थी. He saw the being of Jesus. उसने वहाँ पर यीशु को देखा. And then there was no going back. और फिर उसके बाद में फिर पलट कर जाना नहीं था. Now let's look at the two disciples. अब आइए दो चेलों को हम देखते हैं. The two disciples went and spent the day with Christ. और दो चेले जो है जाकर यीशु के साथ में अपना पूरा दिन बिताते हैं. And one of them was John. और उनमें से एक था यूहन्ना. Because he tells us the exact time and hour that he was with Jesus. क्योंकि वो बिल्कुल सही समय बताता है कि जहाँ पर वो यीशु के साथ में था. Now we look at the next part.
अब हम इसके अगले भाग को देखते हैं। We will look at Andrew, Simon's Peter. हम यहाँ पर अंद्रयास को देखते हैं, शिमोन पत्रस को देखते हैं। When he saw that Jesus was the Messiah, the first thing that he did was go and call his brother Simon. देखिए उसने क्या किया, जब उसने देखा कि वो यीशु ही मसीह है, तो उसने सबसे पहले जाकर अपने भाई शिमोन को बुलाया। And he tells him, we have found the Messiah. और उसने उनसे कहा कि हमें मसीहा मिल गया है। And he brought him to Jesus. और वो उसे यीशु के पास में लेकर आता है। As soon as Jesus saw Simon, और जैसे यीशु ने शिमोन को देखा, he told Simon, you are the son of Barjona. और उसने कहा कि हे शिमोन, तू तो बारजोना का पुत्र है। And Simon was shocked. और इस बात को देखकर शिमोन चौंक गया। How does he know who is my father? इसे कैसे पता कि मेरा पिता कौन है? I have never met him before. मैं इसके पहले इसे कभी नहीं मिला हूँ। And with this he immediately believed in the Lord. और इसके कारण तुरंत ही उसने प्रभु पर विश्वास किया। And then the Lord tells him, और यहाँ तक कि परमेश्वर उससे कहता है, प्रभु से कहता है, You will no longer be called Simon. कि अब से तेरा नाम शिमोन नहीं होगा। You will be called Cephas. तेरा नाम सीफस होगा। Which is the rock. कैफा मतलब चट्टान। The rock on which the church is built. ऐसी चट्टान जिस पर कलीसिया बनाई गई है। So Andrew called Peter. He said, "Come and see." और इसलिए अंद्रयास जाकर पत्रस को बुलाता है, कहता है कि आकर देख ले। Now, as Jesus was about to leave Capernaum, और जैसे कि अब यीशु यहाँ पर कफरनहूम से निकलने पर था, we see in the book of John, chapter 1, verses 43 to 46, हम यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 46 में देखते हैं, that even before he could leave Capernaum, he found Philip. हम यहाँ पर वो देखते हैं कि वो कफरनहूम से निकलने के पहले वो फिलिपुस से मिलता है। Now you know that Jesus was looking for Philip. आप जानते हैं कि यीशु जो है वो फिलिपुस को ढूंढ रहा था। Because the word of God says, finding Philip. और क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने फिलिप को पा लिया। Because Philip was also from Bethsaida. क्योंकि फिलिपुस भी बेतसैदा का ही था। How did Jesus pick Philip? यीशु ने फिलिपुस को कैसे चुना? Jesus knew that Philip was predestined by the Father to be his disciple. यीशु पहले से जानता है कि फिलिपुस जो है वो तो पिता के द्वारा पहले से नियुक्त किया गया है कि वो उसका चेला हो। Romans chapter 8 and verse 30 says. रोमियो अध्याय 8 वचन 30 ये कहता है। Those he predestined. जिन्हें उसने पहले से ठहराया है, he called. उसने उन्हें बुलाया भी है, those he called. और जिन्हें उसने बुलाया he है, justified. उसने उन्हें धर्मी ठहराया है, those he justified. और जिसने उन्हें धर्मी ठहराया he glorified. है, और उसे उसने महिमा भी दी है। What a wonderful thing it is to be called by Jesus. सच में ये कितनी अद्भुत बात है कि हमें यीशु के द्वारा बुलाया जाए। My brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, today if you hear his call, आज अगर आप उसकी बुलाहट को सुनते हैं, don't turn your heart away. तो आप अपने दिल को दूर न करें, because Jesus has justified you. क्योंकि यीशु ने आपको धर्मी ठहराया है। You no longer have to pay the penalty for your sin. अभी आपको अपने पाप के लिए दाम चुकाने की जरूरत नहीं है। He has glorified you. उसने आपको महिमा दी है। He has accepted you as a brother. उसने अपने भाई के रूप में आपको स्वीकार किया है। Come to Jesus because he is looking for you. आप यीशु के पास में आए क्योंकि वो आपको देख रहा है। Philip turned around and followed Jesus. फिलिपुस जो है वो मुड़ता है और यीशु के पीछे चलने लगता है। Just like that. बिल्कुल ऐसे ही। He did not ask any questions. उसने कोई भी सवाल नहीं पूछे। But before that he went and found his friend Nathaniel. लेकिन उसके पहले जाकर वो अपने दोस्त नथानियल से मिलता है। Nathaniel came to Jesus with a lot of doubt in his heart. नथानियल जो है वो यीशु के पास में अपने दिल में बहुत से संदेह लेकर आता है। But when Jesus saw Nathaniel, he said of him, "This is a true Israelite in whom there is no fault." लेकिन जब यीशु ने नथानियल को देखा तो उसने कहा ये सच्चा और इसराइली है और इसके अंदर कोई भी दोष नहीं है। Nathaniel was shocked. नथानियल चौंक गया। How does he know anything about me? मेरे बारे में ये सब कुछ कैसे जानता है? And Jesus tells him. और यीशु उससे कहता है। Before you were standing under the fig tree. और यहाँ तक कि इसके पहले कि तू उस अंजीर के पेड़ के नीचे खड़े होता, I saw you. मैंने तुझे देख लिया। Nathaniel was convicted. नथानियल कायल हो गया। This rabbi, you are the son of God. हे रब्बी, तू ही तो परमेश्वर का पुत्र है। You are the king of Israel. तू इस्राएल का राजा है। How great it is for us to have a God who knows us better than we even know ourselves. और सच में ही हमारे लिए कितनी महान बात है कि हम ऐसे परमेश्वर को जाने जो हमारे बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। Remember David in Psalm 139 has said. भजन संहिता 139 में दाऊद ने कहा, इस बात को याद रखें। Oh Lord, you have searched me and you know me. हे परमेश्वर, तूने मुझे ढूंढा है और तूने मुझे जाना है। You know my sitting and my rising up. तू मेरे उठने और बैठने को जानता है। You understand my thought afar off. तू मेरे विचारों को दूर से ही जान लेता है। You call
comprehend my path and my lying down. तू मेरे मार्गों को और मेरे बैठने को मेरे सोने को तू सब कुछ जानता है समझता है. You are acquainted with all my ways. मेरे सारे मार्गों को तू जानता है. For there is not a word on my tongue. कि मेरे जीभ पर ऐसा एक भी शब्द नहीं है. But behold, O Lord, you know it all together. लेकिन हे परमेश्वर तू तो उसे बहुत पूरी तरह से जानता है. My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. Even when you were being formed in your mother's womb. यहां तक कि जबकि आप अपनी माँ के गर्भ में बनाए गए थे. The Lord knew you. परमेश्वर आपको जानता था. He watches over you with love. वो बड़े प्रेम से आपको देखते रहता है. Today, are you feeling dejected? क्या आज अपने आप का इनकार किया महसूस करते हैं? Are you saying that no one cares for you? क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी कोई परवाह नहीं करता है? No one knows how much you're suffering. कोई नहीं जानता है कि मैं कितना दुख उठा रहा हूँ. That is not true. ये बात सच नहीं है. The Lord knows you. परमेश्वर आपको जानता है. He comprehends your path. वो आपके मार्गों को समझता है. He is acquainted with all your ways. वो आपके सारे मार्गों को समझता है. Maybe you are going in the right track. शायद हो सकता है कि आप बिल्कुल सही मार्ग पर चल रहे हैं. Or you are constantly going on the wrong track. या हो सकता है कि आप हमेशा और निरंतर उस गलत मार्ग पर जा रहे हैं. Maybe you cannot help yourself, but you make all the wrong choices. शायद हो सकता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और आप केवल गलत चुनाव ही करते जा रहे हैं. But God knows you. लेकिन परमेश्वर आपको जानता है. He cares for you. वो आपकी परवाह करता है. That is why he knows you. और इसीलिए तो वो आपको जानता है. So why don't you come to him? तो क्यों ना आज आप उसके पास में आ जाएं? Why don't you come and see? क्यों ना आकर आप खुद देख लें? Why don't you follow him? क्यों ना आप उसके पीछे चले? Would you not recognize his deity like Nathaniel recognized to him? नथानियल जैसे उसके ईश्वरत्व को समझ गया था, क्या आप उसके ईश्वरत्व को नहीं समझेंगे? Now we're going to see the next way that Jesus called his disciples. अब हम एक और तरीका देखेंगे जिसके द्वारा यीशु ने अपने चेलों को बुलाया था. He says, "Follow me." उसने कहा मेरे पीछे हो लो. And I will make you fishers of men. और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा. This is found in Matthew chapter 4 verse 19. और ये पाया जाता है मत्ती अध्याय 4 वचन 19 में. The Bible tells us. बाइबल हमें बताती है. That Jesus came on the shores of Galilee. कि यीशु जो है वो गलील के किनारे पर आ गया. And he saw Peter and Andrew throwing their nets into the sea. और उसने देखा कि वहाँ पर पतरस और अंद्रियास जो है अपने जाल वहाँ पर झील में डाल रहे हैं. They had a good sized boat. उनके पास अच्छे आकार की नाव थी. And their father was there. और उनका पिता वहाँ पर था. And he says, "Follow me, and I will make you fishers of men." और उसने उनसे कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो और मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा. And they immediately left their nets and followed him. और तुरंत ही उन्होंने अपने सारे जाल फेंक दिए और वो उसके पीछे हो लिए. A little further, they saw James and John. और थोड़ा सा आगे जाकर उन्होंने वहाँ पर याकूब और यूहन्ना को देखा. With their father Zebedee. और उनका पिता जिब्दी वहाँ पर था. And they were mending their nets, and he called out to them. और वो अपने जाल वहाँ पर बुन रहे थे, साफ कर रहे थे, और उसने उन्हें बुलाया. The brothers did not have any questions. भाइयों के पास में कोई भी सवाल नहीं था. They just left their boat, वो बस अपनी नाव को छोड़ दिए, left their father, अपने पिता को छोड़ दिए, and followed Jesus. और यीशु के पीछे हो लिए. Now what was it that made these men leave whatever they were doing to follow Jesus? देखिए ये लोग क्या कर रहे थे जिसके कारण वहाँ पर ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये लोग जो भी कर रहे थे उसे छोड़कर यीशु के पीछे चलने लगे? Think about it. इसके बारे में सोचिए. What was it that made these men leave what they had? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण इन लोगों ने इनके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया? Their boats, their father, and immediately follow Jesus. अपनी नाव को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया और तुरंत ही वो यीशु के पीछे चलने लगे. What was it that made these men throw off their identity? और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण इन लोगों ने अपनी पहचान को ही छोड़ दिया? They were fishermen. वो तो मछुआरे थे. They belonged to a community. वो एक समाज के थे. But they counted it as nothing and followed Jesus. लेकिन उन्होंने बिल्कुल बेकार समझा वो यीशु के पीछे चलने लगे. What would we do if Jesus called us today? अगर आज यीशु हमें बुलाता है तो हम क्या करते हैं? Would we recognize his voice? क्या हम उसकी आवाज को पहचानेंगे? He is our father. वो हमारा पिता है. He is calling out to us. We are his children. वो हमें पुकार रहा है और हम उसकी संतान हैं. Would we recognize his authority? क्या हम उसकी अधिकार को समझ पाएंगे? All authority in heaven and earth has been given to him. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो उसे दिया गया है. Can we even question that? क्या हम इस पर सवाल उठा सकते हैं? Would we recognize his deity? क्या हम उसके ईश्वरत्व को जान पाएंगे? The heavenly father has given these men to Jesus. और स्वर्गीय पिता ने इन पुरुषों को, इन लोगों को यीशु को सौंपा था. Jesus is going to mold them and make them his disciples. यीशु उन्हें मोड़ने वाला था, उन्हें आकार देकर अपने चेले बनाने वाला था. The Lord has said in John chapter 17 and verse 6, he says, "I have manifested your name to the men
you have given me. और यहाँ पर इस तरह से यूहन्ना मिस्तर से यीशु कहता है कि पिता तूने जो लोग मुझे दिए थे मैंने निश्चय उन्हें तेरे सामने प्रकट किया है. They were yours. वो तो तेरे हैं. You gave them to me. तूने ही तो उन्हें मुझे दिया था. And they have kept your word. और उन्होंने तेरे वचन को माना है. Jesus is calling us to follow him. यीशु हमें बुला रहा है कि हम उसके पीछे चले. Our future is safe in his hands. हमारा भविष्य उसके हाथों में सुरक्षित है. We need not fear. हमें डरने की जरूरत नहीं. In him there is fullness of joy. उसी में आनंद की भरपूरी है. Shall we follow him today? आइए आज हम उसके पीछे चलें. The next way of calling has been talked about by Mr. Hull as be with me. और देखिए अगली बात जो है यहाँ पर बुलाहट के बारे में मिस्टर हल ने बताया कि मेरे संग हो लो. And we read about this in the book of Mark. Chapter 3 और मरकुस अध्याय 3 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं. Verses 13 to 14. वचन 13 और 14 में. That they went up to the mountain. कि वो पहाड़ पर गए. And he called those he himself wanted. और उसने जिन लोगों को अपने लिए चाहता था उन लोगों को उसने बुला लिया. And he appointed them 12 that they might be with him. और उसने 12 लोगों को नियुक्त किया कि वो उसके साथ में हो. And that he might send them out to preach. और वो उन्हें प्रचार करने के लिए बाहर भेज सके. Jesus calls his disciples to be with him. यीशु अपने चेलों को बुलाता है कि वो उसके संग हो ले. Being with him is just as equivalent as learning from him. देखिए उसके साथ में होना ये बिल्कुल ऐसा ही जैसे मानो आप उसे सीख रहे हैं. Elisha learned from Elijah. एलिशा जो है वो तो एलिया से सीख रहा था. And we learn at the feet of Jesus. और हम यीशु के चरणों पर सीखते हैं. As we spend time with him. और जैसे हम उसके साथ में समय बिताते हैं. His peace floods our heart. उसकी शांति हमारे दिल को भर देती है. As we spend time with him. जैसे हम उसके साथ में समय बिताते हैं. We begin to learn to move forward to a new purpose. हम एक नए उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ने के लिए हम सीखते चले जाते हैं. We are a new creation. हम नई सृष्टि हैं. As we spend time with him. जैसे हम उसके साथ समय बिताते हैं. We share his concern for building the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए उसकी जो चिंता है उसके बारे में हम उसे बांटते हैं. God calls us to be with him. परमेश्वर हमें बुलाता है कि हम उसके संग हो. Finally. और अंत में. Abide in me. वो कहता है कि मुझ में बने रहो. John chapter 15 says, abide in me and I in you. वो यूहन्ना 15 कहता है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूंगा. As the branch cannot bear fruit of itself. और जैसे कि डाली अपने आप में फलवंत नहीं होती है. Unless it abides in the vine. जब तक कि वो दाखलता में जुड़ी ना हो. Neither can you. वैसे तुम भी फलवंत नहीं हो सकते. Unless you abide in me. जब तक कि तुम मुझ में बने ना रहो. Jesus is calling us to abide in him. यीशु हमें बुला रहा है कि हम उसमें बने रहें. Can a branch bear fruit if it's not connected to the tree? अगर कोई डाली पेड़ से जुड़ी नहीं है तो क्या वो फलवंत हो सकती है? Then how do we even imagine that we can do things without the Father? तो फिर हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम पिता के बिना कुछ कर सकते हैं? How often even I have thought I can do all this by myself? देखिए कई बार मैंने खुद सोचा है कि हाँ मैं खुद अकेले ये सब कुछ कर सकती हूँ. But we need to remain in Him. लेकिन हमें उसमें बने रहना है. We need to be connected to Him. हमें उसके साथ में जुड़े रहना है. And if we do. और अगर हम ऐसा करते हैं. We can bear fruit. तो हम फलवंत हो सकते हैं. So in conclusion, और इसलिए अंत में, Jesus calls us as His children. यीशु जो है वो तो हमें अपनी संतान के रूप में बुलाता है. To be His disciples. कि हम उसके चेले हो जाएं. The question to us is. हमारे लिए सवाल तो यही are है. Are we all brothers and sisters? क्या हम सब लोग भाई और बहन हैं? Willing to come and see. हम आकर देखने के लिए तैयार हैं? Are we willing to follow Him? क्या हम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? Are we willing to be with Him? क्या हम उसके संग रहने के लिए तैयार हैं? Are we willing to remain in Him? क्या हम उसके अंदर बने रहने के लिए तैयार है? If you abide in the vine, अगर आप दाखलता में जुड़े रहते हैं, you can bear much fruit. तो आप बहुत फल ला सकते हैं. Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रार्थना करते हैं. Father God, we want to thank you so much. पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं. That just as you called your disciples 2,000 years ago, कि जैसे तूने 2,000 साल पहले अपने चेलों को बुलाया था, you are calling each one of us. तू हम में से हर एक को बुला रहा है. To be your disciples. कि हम तेरे चेले हो जाएं. Father, you know our name. पिता तू हमारे नामों को जानता and है. We want to come to you. और हम तेरे पास आना चाहते हैं. We want to leave everything that is hanging on to us. और जो कुछ भी हमारे साथ में है हम उसको थामे रहना चाहते हैं. We want you to break every bondage. और जो कुछ भी तूने दिया उसको हम थामे रहना चाहते हैं और बंधन को तोड़ना चाहते हैं. We want you to deliver us. और चाहते हैं कि तू हमें छुटकारा दे. And we want to be free to come and follow you. और हम चाहते हैं प्रभु कि हम आजाद हो कि हम तेरे पीछे चल सकें. Have mercy upon us, Jesus. हमारे ऊपर दया कर प्रभु यीशु. Don't pass us by. हमें छोड़कर मत जा. Call us. हमें बुला प्रभु. We are willing to follow you. हम तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. आमेन.